इंतजार। तो कल है मेरा बीवी का बर्थडे 27th of February, आज है 26th of February। मैं उसको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, लेकिन अभी कैसे उसको ठीक करूँ, कैसे उसको फिक्स करूँ, अभी तक मेरे को पता नहीं चल रहा है। केक वेक भी ऑर्डर नहीं दिया अभी तक, लेकिन काम पे जाना है, काम ख़त्म करके फिर ये सब कुछ मेरे को अरेंजमेंट करना है। सो अभी मैं घर में आया, जस्ट मैं खाना पका रहा हूँ। सो इसके बाद जब भी मैं काम पे जाऊँगा तभी मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट करने वाला हूँ, क्योंकि आज रात 12 बजे से पहले मेरे को काम को एग्जीक्यूट करना है। उसको पता है कि मैं कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं मैं कैसे देने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉन्ग बाइसेप। सो संडे मतलब चिकन है, सो चिकन तो मैंने बिठा दिया, अभी यहाँ पे पक रहा है, तब तक मैं नहा लेता हूँ क्योंकि मेरे को काम पे भी जाना होगा, ज़्यादा टाइम हाथ पे नहीं है। बीच मेरे को कल का प्लानिंग भी करना है, मेरे को बहुत कुछ मैं सोच के रखा है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो पास वाला घर में वो सो रहा है अभी, वो मैं बाद में बाहर जाके अपना फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को देखते रहो। रुको, थोड़ा सा क्यों, पूरा वीडियो ही देखना है, पूरा लास्ट तक देखोगे तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और होने वाला है 12 बजे। सो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप कुछ काम को प्लानिंग करके रखते हो, फिर उसको धीरे धीरे करके अंजाम देते हो, और मिडिल में आपका घर का लाइट बत्ती गुल हो जाता है। सो ये अंडमान का सबसे बड़ा खासियत है, कभी करंट जाएगा कब आएगा वो अपना मनमर्जी से जाता है, और उसके बीच ही हम लोग को काम करना ख़त्म करना होता है। मैं घर आया, मैं सोचा कि खाना पका के जल्दी जल्दी खा के मैं निकल जाऊंगा, ख़त्म करके फिर रात का भी प्लान मेरे को बनाना है, और उसी बीच करंट चला गया। अभी आया मिडिल में 15 मिनट करंट चला गया, 15 मिनट मतलब मेरा 15 मिनट का शेड्यूल बिगड़ गया। सो मतलब टाइम टू टाइम मेरा कैलकुलेट होता है कि अगर मैं 5 मिनट भी लेट कर दूँ मेरा काम पे जाना मेरा 5 मिनट लेट हो जाए। गंदा आदत नहीं है, या तो मैं यहाँ का बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट। बहुत दिन के बाद मैंने कैमरा उठाया, बहुत ही दिन के बाद, मिडिल में मैं शॉर्ट बना रहा था, लेकिन आज लगा कि थोड़ा सा मेरे को डिटेल में ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये मेमोरेबल डे मेक करने वाला हूँ। शॉर्ट्स तो ऑब्वियसली बनाऊंगा, शॉर्ट्स अभी नहीं, शॉर्ट्स रात को बनाऊंगा, अभी नॉर्मली मैं ब्लॉग ही बनाऊंगा अभी। तो मैंने मिडिल में सोचा था कि बियर रख दूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, ट्रिम करके रखता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो फेस में सभी का ऐसा ही आ जाएगा, मतलब सभी का सामने से ऐसा ही हो जाएगा कि मैं बियर रखूँगा तभी अच्छा लगेगा, विदाउट बियर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा शेप करना ज़रूरी लगा। ये लोग इतना हरामी है ना, जब हम लोग आके यहाँ पे बैठेंगे, ये जगह में हम लोग बैठेंगे, जैसे ही उनको मालूम पड़ेगा कोई उनका आसपास में, पूरा ऊपर आ जाएगा, खाना दो खाना दो, जबकि इनको आराम से अच्छा खासा खाना मिलता है। बहुत दिन के बाद ऐसा वाला स्मेल निकला है, मतलब चिकन का एक अलग ही स्मेल निकलता है जब इसको बनाओ ना, मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब यहाँ आने के बाद 3-4 बार ही, मतलब मैंने बनाया चिकन बहुत बार, लेकिन 3 से 4 बार ही मेरे को ये वाला स्मेल निकला, और ये वाला स्मेल जब निकलता है ना मेरे को तभी पता चलता है। ये एक संडे का दिन, छुट्टी का दिन, घर में बैठ के आराम से हवा चला के, मतलब फ़ैन का हवा या तो एसी का हवा में बैठ के आराम से चिकन एंजॉय करेगा, और तभी करंट चला जाता है। क्या कर सकते हैं, नेचुरल हवा जो आता है उसमें ही बैठ के खाना एंजॉय करो। मैडम को आज अच्छे से देख लो, क्योंकि ये कल से नहीं रहेगा 26 का, कल से हो जाएगा 27, मतलब बुड्ढी हो जाएगा, बुड्ढी 27 मेरा होगा 26। देखा, जैसे ही उम्र कम बोला ज्यादा बोल दिया उसके, कैसे देखा, बाप रे बाप, लड़की लोग कैसे इतना उम्र छुपा लेता है, मेरे को छुपा लेता है क्या, आप गलत बोल रहे हो, मतलब क्या है। हाँ गलत कहाँ बोला, थोड़ा सा एक आध साल ऊपर नीचे हो गया, बाप रे बाप, साल मतलब बहुत है। हाँ मैं अभी सो रहा है करके मैं बता रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि शॉर्ट एंड सिंपल कि एक केक लाएंगे, चॉकलेट केक, उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, एक चॉकलेट केक लाएंगे, एंड कुछ फोटोग्राफ्स मैंने कलेक्ट किया है जो मैं लैपटॉप से आया, मेरा जो टीवी है उस टीवी के अंदर मैं चलाऊंगा, और सम चॉकलेट्स एंड सम उसके लिए जो अच्छा अच्छा उसका
कैडबरी, फिर उसके बाद आइसक्रीम, ये सब कुछ मैं लाने वाला हूँ ताकि उसको सरप्राइज़ करने वाला हूँ। सो अभी वो सो रहा है और मेरे को अभी काम पे भी निकलना होगा, सो एक साथ में निकल जाऊँगा, लेके आ जाऊँगा, फिर ये घर को पूरा बंद कर दूँगा, ये वाला घर को पूरा बंद कर दूँगा, करके मैं डेकोरेट करने वाला हूँ। लास्ट जो मैंने ब्लॉग बनाया, लास्ट जो रील मैंने बनाया, उसके बाद से मेरे को ये वाला जो इसका कैप आता है वो कैप मेरे को मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहाँ रखा, मैं पॉकेट वॉकेट में भी ढूंढा, मेरा पॉकेट में भी नहीं है, ऊपर में भी ढूंढा ऊपर में भी नहीं है, उस घर में भी ढूंढा नहीं है, किचन में ढूंढ लिया किचन में भी नहीं है, कहाँ पे मैंने रखा, मैं पूरा आउट हो गया, मेरा माइंड से ही पूरा हट गया। अभी मतलब काम का प्रेशर, उसके बाद कल 27 है उसका प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर ही प्रेशर है। सो अभी ठीक है, इसको ढूंढ लूँगा, है तो घर में ही, बाहर नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सो देखो अभी टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट कुछ 5:30 हो रहा है। सो अभी अगर मैं जाऊँगा कहीं पे भी होटल में गेस्ट से मिलने के लिए तो मैं मिल नहीं पाऊँगा, क्योंकि सभी अभी जेल का सामना शो में बिजी है। सो अल्टीमेट मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट होने वाला है। सो इसलिए मैं क्या किया, मैं अपना लैपटॉप निकाल लिया और मेरा जो वीडियो अभी बना रहा हूँ ये सब वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट करके रख देता हूँ, ताकि मेरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम मेरा ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि बहुत सारा सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है, मेरा बीवी के लिए तो इंतज़ार कर रहा है, आप लोगों के लिए भी इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा सा कुर्सी का पेटी बांध के रखना पड़ेगा। तो सरप्राइज़ आज का डेट में मैं एक थोड़ा सा अनोखा वाला देने वाला हूँ, जिसको सरप्राइज़ देने वाला हूँ उसको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है मैंने क्या क्या लाया है, सिर्फ पैकेट और थैला वगैरह ये सब ही दिखा है ऊपर से, लेकिन अंदर का उसको कुछ मालूम नहीं। मैं बोला वो 12 बजे तक तुम उसको छू नहीं सकते, और फ्रिज में उसका सब सामान है, फिर केक वगैरह है, केक भी खोल के देख नहीं सकता, वो भी आइस केक है, इतना बता सकता हूँ कि आइस केक है, वो भी अभी फ्रिज के अंदर मैं डाल दूँगा उसको। लेकिन चाबी कहाँ रखा मैं, चाबी मेरे पास ही, मैंने चाबी कहाँ रखा, मेरे पास है चाबी, मैंने रख दिया मेरे पास। अभी घर आया, मैडम को मन हुआ कि ब्रेड खाएगा, मेरे को बोला था, रास्ते में नहीं मिला, सो अभी घर आया, फिर बोला कि नहीं आज खाना ही है, सो बर्थडे गर्ल है तो बनता ही है, बाहर से ढूंढ के लेके आया एक ब्रेड का पैकेट। रात का डिनर मैंने कंप्लीट किया, तब ऑलमोस्ट हो गया था 11:10 और अभी हो रहा है 11:25। मेरा यहाँ का टेबल वगैरह जो था उसको हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा कागज़ से मैंने डेकोरेट कर दिया, केक डालने वाला हूँ उसके साथ साथ, उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो आइटम लेके आया, केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब कुछ डालने वाला हूँ, एंड उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ जैसे कि ये टोपी जो पहनने वाला है, ये वाला मैं स्प्रे करने वाला हूँ, एंड कैंडल्स 26, एंड ये हैप्पी बर्थडे, जब वो केक कटेगा इसको पकड़ के ही कटेगा। पहले सोचा था कि लैपटॉप का कुछ यूजेस कर लूँ, एक फ़ोटो लगा दूँ, एक गाना चला दूँ, फिर लगा कि एम्बियंस ख़राब कर देगा, उतना अच्छा मतलब ये क्रिएट नहीं कर पाएगा, ऑरा क्रिएट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको हटा दिया मैंने, और नॉर्मली अभी टेबल को ऐसा कर दिया, केक रख देंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो 11:40 हो चुका है, पीयू भी वहाँ पे रेडी हो रहा है, और मैं अभी फ्रिज से सब कुछ लेके आ गया, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 10 मिनट टाइम चाहिए इसको सेट करने के लिए। सो मैं इसको सेट करके देखता हूँ कि ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, कि ये रख के भी ये अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, नहीं तो फिर से डेकोरेट करना पड़ेगा, रीडेकोरेट। इतना एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड मैं हो रहा हूँ, ओवर एक्साइटेड। सो टेबल डेकोरेशन हो गया है कम्प्लीट, अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम का इंतज़ार। ये देखो टेबल का डेकोरेशन पूरा कम्प्लीट कर चुका हूँ, एक अच्छा खासा मैं शॉट ले लेता हूँ। सो एंगल वगैरह तो मैंने सेट कर लिया, वो सब को लेकर मेरे को टेंशन नहीं है, सिर्फ अभी और 7 मिनट ही बचा है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 मिनट, 7 मिनट कैसे भी नहीं चलेगा, बस एक मतलब यहाँ से एक बोझ पूरा नीचे आ जाएगा पूरा एकदम। नेक्स्ट मैंने तो मेरे को भी पहनना है, ऐसे और पहन के देख लेता हूँ मेरे को कैसा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सर पे आट नहीं रहा है, मतलब सर पे घुस ही नहीं रहा है, छोटा है बहुत, मेरा सर बहुत बड़ा है एक्चुअली। ये वाला टोपी पीयू को बहुत अच्छा लगेगा, साइड में देखो कैसे कॉटन का काम होके रखा है, सो पीयू जब पहनेगा उसको भी अच्छा लगेगा, उसका सर मेरे से बहुत ही छोटा है,
तो उसको पकड़ लेगा मेरा, तो वो एकदम से पकड़ नहीं रहा है। अंदर ये है रिबन है, मतलब रबड़ है, इसको पकड़ के ऐसे करके ले सकता है, लेकिन फिर भी कैसा एक और टाइप का लग रहा है। विश करने का टाइम आ चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है विश करने में, थोड़ा सा टाइम, जस्ट काम डाउन करना पड़ेगा सिर्फ। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी वीडियो कॉल ले आए। हैप्पी बर्थडे, डेकोरेशन करने में कितना टाइम लगा, इसको बिगड़ने में कितना टाइम लगा, देखो बिगड़ने में जस्ट 3 मिनट खत्म, और इसको डेकोरेट करने में 1 महीना टाइम लगा। कैसे करूँ क्या नहीं करूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो बीवी बोल दिया थैंक यू, मतलब बहुत बहुत है। सो अभी व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर व्लॉग यहाँ तक अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कल वाला व्लॉग तो आना बाकी है। अभी सिर्फ ये तो सेलिब्रेशन का, मतलब 12 बजे का, अभी तो एक दिन गोटा बाकी है पूरा।